मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अब क्या हुआ? यही माया का विशाल के साथ गोवा जाना। तो इसमें बुरा क्या है? ऑफिशियल काम से ही गए ना। लेकिन ताऊजी को तो बताना चाहिए था कि माया साथ में जा रही है। हाँ, और वो उन्हें जाने देते क्यों? वही तो मैं भी कह रही हूँ, उनकी मर्जी के बगैर। देखो, तुम अपना दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाओगी तो बेहतर होगा। ठीक है, और सर चढ़ाओ अपनी बेटी को। आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? हाँ बेटा, मेरे ख्याल से बहुत ठीक कह रही है। लो, अब तुम भी शुरू हो गई माँ। बेटा मुझे मालूम है कि माया विशाल के साथ काम के सिलसिले में ही बाहर गई है, पर बेटा जरा सोचो, इस तरह दोनों शहर से दूर अकेले रहेंगे तो। तो क्या? हाँ माँ, तो क्या? अरे प्रॉब्लम कहाँ है? वो दोनों शादी करने वाले हैं, हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है, तो चिंता किस बात की है माँ? बेटा चिंता तो इसी बात की है कि विशाल तृष्णा का पति है, और ऐसे में कहीं हमारी माया बिटिया से कोई ऊंच नीच हो गई तो। तृष्णा तृष्णा तृष्णा, इस घर में जिसको देखो तृष्णा की पड़ी है। माँ मैं आखिरी बार कह देता हूं, मुझे सिर्फ माया की जिंदगी और उसकी खुशियों की चिंता है, बाकी कोई जिए या मरे मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। माया शुड बी हैप्पी एट ऑल कॉस्ट, इज दैट क्लियर? हेलो, हेलो, रूम नंबर 6 आईसीयू से मिस्टर मल्होत्रा को बुला देंगे? कह दीजिए कि विशाल का फोन है। जी एक मिनट। अरे सकाराम, आईसीयू में जाना, रूम नंबर 6 से किसी को बुलाना है, गोवा से फोन है। ए सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो भाई? परेशान करते हो भाई उनको, मैं हूँ ना, आप जाइए दूसरा काम। तुमने कृष्णा बेटी की तबीयत के बारे में कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, अच्छा। हेलो जमाई बाबू, नमस्ते। मैं हरिहर बोल रहा हूँ, हरिहर मामा जी। मुझे ताऊजी से बात करनी है। ताऊजी से? ताऊजी तो कहीं बाहर गए घूमने। घूमने? तो फिर तृष्णा के पास? मैं हूँ ना तृष्णा बेटी के पास। अच्छा, तृष्णा कैसी है? फर्स्ट क्लास, ये समझ लो कि एकदम मजे में है, किसी भी वक्त विदा हो सकती है जी? मतलब किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकती है, एकदम फिट है। थैंक गॉड, मेरी वहां जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप आएंगे तो सारा काम चौपट हो जाएगा। मतलब आप आराम से आइए, सारा काम निपटा के आइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, ताऊजी आएंगे तो उनसे कह दीजिए कि मेरा फोन आया था। ठीक है, कह दूंगा, दो एक रोज में फिर फोन करूंगा। जरूर, बाय। अरे हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। अब ऑफिस की बागडोर तुम्हारे हाथ में है हरिहर बाबू, और विशाल की बागडोर माया के हाथ में। अब जल्दी से फायदा उठा लो विशाल की गैर मौजूदगी का। इस बहती गंगा में दो घूंट पीकर अपना गला भी तर कर लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी हरिहर बाबू। रेडी मैम, गाड़ी भी एकदम टिप टप हो गया। मिस्टर मिरिंडा जी, नेक्स्ट टाइम आप प्लीज हमारे लिए ऐसे अरेंजमेंट्स मत कीजिए। अरेंजमेंट? जी हाँ, अगर मैं और विशाल यहाँ पर फिर से आए मीटिंग के लिए, तो मेक श्योर कि हमारे रहने का अरेंजमेंट अलग अलग हो, और हो सके तो अलग अलग होटल्स में भी। ओके मैम, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार का सवाल तो तब उठेगा ना जब इस बार हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे। मतलब? मतलब ये कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और रुकेंगे। मिस्टर मिरिंडा, वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। माय प्रेयर सर। बेटर, सामान को वापस अंदर रखो। विशाल? माया, क्या तुम नहीं चाहते कि हम लोग अकेले में थोड़ा वक्त गुजारें? सिर्फ मैं और तुम।
माँ कहाँ है? माँ अपने कमरे में है, कह रही भूख नहीं है। क्यों? अब मुझे क्या पता? जरूर तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा। हाँ हाँ, सारी मुसीबतों की जड़ तो मैं ही हूँ। तो बताओ माँ को हुआ क्या है, वो खाना क्यों नहीं खा रही है? तुम खुद ही जाके क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारी माँ है ना वो। सुभद्रा! चिल्लाना मुझे भी आता है। क्या कहा तुमने? रमेश, मैं कल हरिद्वार जा रही हूँ। हरिद्वार? माँ ऐसे अचानक क्यों? अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस उम्र में ना तो मुझे तुम्हारी मनमानी समझ में आती है और ना ही माया बिटिया की बर्बादी देखी जाती है। तुम लोगों के मन में जो आए करना। मैंने अपना टिकट मंगवा लिया, अब मैं कभी तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। माँ, माँ सुनो तो। माया कहाँ चली? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज इतनी जल्दी उठ गए? आओ चाय पी लो। चाय तुम लेकर आई, वेटर कहाँ पर? ला तो वेटर ही रहा था, लेकिन उससे मैंने ले ली। पहली बार तो मौका मिला। इधर आओ। सुंदर लग रही है। Really? विशाल, बातें बनाना बंद करो और जल्दी से चाय पी लो, हम बीच चलेंगे। माया, इतनी जल्दी पे क्या है, यहाँ आओ ना मेरे पास। विशाल, कोई देख लेगा। हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। विशाल, मैं बोल रहा हूँ करण। हाँ करण। हाँ विशाल मुझे मिल गया, मेरे निशाने पर लड़की भी साथ है। देखो बाबू, गोली मत चलाना। ना चलाऊं गोली? सुनो मेरी बात, विशाल का मरना एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, समझे? एक्सीडेंट? ठीक है, हो जाएगा, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ ले लेना। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भाग रही थी? क्या मतलब? मैं तो तुम्हें यूं ही परेशान कर रही थी। अच्छा, क्यों? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुमने मुझे बहुत मुश्किल से पाया है, और अगर तुम होशियार नहीं तो मैं छूट जाऊंगी। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि मैं तुम्हें जाने दूँ? डोंट वरी मिस्टर पदमसी, 12 बजे तक आपके डिजाइन आपको मिल जाएंगे। यस। नहीं नहीं, वो क्या है कि हमने ऑफिस शिफ्ट किया है ना, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब नहीं नहीं, कमाल की बातें कर रहे हैं, विशाल नहीं है तो क्या हुआ?
लेकिन ऑफिस का काम तो चलता ही रहता है ना। हाँ हाँ, वो करण भी गया हुआ है ना ऑफिशियल टूर से जरा बैंगलोर, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। दोपहर तक आपके डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये दिस इज दिलदार सिंह, प्रॉमिस टू यू। यस ओके, हेलो मिस्टर पदमती, आप अपनी टेक केयर करना जरा। हाँ जी ओके जी, बाय। लेकिन सर वो डिजाइन आज शाम तक तैयार नहीं हो पाएंगे। कुसुम, मैंने तुम्हें दो दिन पहले कहा था कि आज दोपहर तक डिजाइन तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे दो घंटे के अंदर अंदर डिजाइन चाहिए, दो घंटे के अंदर डिजाइन चाहिए, समझे? तुम आजकल बहुत काम छोड़ती जा रही हो। तुम्हें पता है कुसुम, अगर ये डिजाइन हमने नहीं पहुंचाए तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे हाथ में चला जाएगा, असाइनमेंट फिनिश, हमारे पास रहेगा ही नहीं कुछ। मुझे घंटे भर के अंदर डिजाइन चाहिए। अगर डिजाइन तैयार नहीं हुए तो पता क्या होगा, तुम इस ऑफिस में काम ही नहीं कर पाओगी। यू आर फायर्ड, यू आर सैक्ड, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ये क्या हो रहा है? हां ये क्या हो रहा है? ये दफ्तर है, मच्छी मार्केट, इतना शोर क्यों हो रहा है? मिस कसम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक मिनट, मैंने आपसे पूछा नहीं ना? हाँ बताइए मिस कसम। सर वो मिस्टर पदमसी के डिजाइन। आई सी, मिस्टर पदमसी के डिजाइन। रिलैक्स, उनके डिजाइन को हम आराम से देंगे, एक दिन, दो दिन, हफ्ते, दो हफ्ते, आराम से। जी सर। मैंने कह दिया ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हरिहर बाबू, आपको मालूम है ना, ये प्रायोरिटी वाला काम है। अगर शाम तक डिजाइन नहीं पहुंचे तो दिलदार सिंह जी, आप आवाज बहुत करते हैं। मैं हाँ नहीं तो क्या? मैं एक बात कान खोलकर सभी लोग सुन लो, जब तक विशाल बाबू गोवा से नहीं लौटते तब तक इस दफ्तर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे आप? मिस कुसुम रिलैक्स, बैठो ना। मिस्टर पदम सिंह से मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर। रिलैक्स। दिलदार सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे। हाँ अपनी सीट पर जाकर कुछ काम हम कीजिए ना। हाँ Good morning. बीच हाउस? यस या प्लीज होल्ड ऑन। अरे फोन आया है। मैं देखता हूँ मैम, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। हेलो जी, जी 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 जी, ठीक है, मैं कह दूंगा,
जी सर, वो आपके अंकल का फोन था। अंकल? यस सर। मतलब ताऊजी? यस सर, उनका फोन था। ताऊजी का फोन यहाँ रिसॉर्ट के नंबर पर? यस सर, वो बोल रहे थे मैं गोवा पहुंच गया हूँ। व्हाट? यस सर, वो आपका बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी आओ लेने के लिए। मिस्टर मिरिंडा, आप रिसेप्शन पे मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ, हम लोग साथ में चलते हैं। यस सर। माया, ताऊजी आए हैं। आई होप एवरीथिंग इज ओके। कहीं तृष्णा की तबीयत, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। आई मीन मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। मैं भी आती हूँ। तुम क्या होगी माया? इसमें इतनी घबराने की क्या बात है विशाल? नहीं माया, वो ताऊजी को ये पता नहीं कि तुम यहाँ पर हो। वो जरूर इसी बात की टोह लेने आए हैं कि कहीं मैं तुम्हारे साथ तो नहीं। तो ठीक है, लेट हिम सी। सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत? माया तुम समझती क्यों नहीं, अगर ताऊजी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। माया, मैं उनसे जाके मिलता हूँ। आई होप वो मुझे ले जाने के लिए नहीं आए। तो क्या तुम चले जाओगे? माया, अब अगर ले जाने के लिए आए हैं तो फिर जाना तो पड़ेगा ही ना। और मैं? ओ हाँ, तुम। माया, पहले मैं बस स्टैंड पे जाके ताऊजी से मिलता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं। हो सकता है शायद तुम्हें मुंबई अकेले जाना पड़े। मेरा मोबाइल कहाँ है? शायद अंदर। हो सकता है शायद तुम्हें मुंबई अकेले जाना पड़े। मुंबई अकेले जाना पड़े। मिस्टर मिरिंडा, टैक्सी मंगवाइए प्लीज। यस सर। हेलो करण। हाँ बाबू बोल रहा हूँ। काम तो समझो हो गया था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गाड़ी के अंदर विशाल की जगह माया बैठकर चली गई। व्हाट? देखो बाबू, माया को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। माया को समझे?